इसमें पढ़ेंगे व्रत के बारे में। किसके बारे में? व्रत का क्या कार्य है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अभी जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था श्वसन अंग, हम और ये जो सांस छोड़ी तो कौन सी गैस है? तो हम श्वसन तंत्र के द्वारा हम गैसों को लेते हैं और उनको छोड़ते हैं। इसी प्रकार जो हम द्रव है, द्रव हम जो द्रव पानी पीते हैं तो उसमें जो अपशिष्ट द्रव होते हैं, जो बेकार द्रव होते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तुमने देखो पसीने के रूप में निकलते हैं और क्या नाम है, जब मूत्र के रूप में निकलते हैं। तो ऐसे अंग जो इनको निकालते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते होंगे? ये जो है इन्हें कहते हैं व्रक। क्या कहते हैं? कितने व्रक? और ये किसके आकार के दिखाई दे रहे हैं? सेम की फली के बीज के आकार में। और जब द्रव, द्रव मीन्स पानी, जब हम पानी, ये जो है पानी, और इस पानी को हम कैसे पिएंगे? मुंह के द्वारा। जब मुंह के द्वारा जब हम इस पानी को पिएंगे तो हमारी यहाँ नलियां बनी रही है, ये नलियां हैं। इन नलियों से जो पानी आता है वो यहाँ से होकर कहाँ जाता है? वक्र में, वक्र में जाता है। और ये वक्र इसका काम है रक्त को छानना। किसको छानना? रक्त को। रक्त का रंग कैसा होता है? और जब ये इसको छानता है और जो जिस पानी, जब पानी पीते हैं उसमें जो यूरिया मिल जाता है वो निकाल देते हैं, वो इन मूत्र वाहनियों के तरह मूत्राशय में आ जाता है और फिर वो उसके बाद निकल जाता है। तो ये जो अंग है हमारे वक्र, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, इन्हें कहते हैं उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन अंग। तो ये तो अब क्या करेंगे? प्रैक्टिकल। ठीक है, चार्ट में पढ़ा था ये क्या है, ठीक है उत्सर्जन अंग। अब ये इसका क्या है? मॉडल। क्या है? मॉडल। तो ये उत्सर्जन अंग का मॉडल है। अभी मैंने तुम्हें वहां कुछ नाम बताए थे तो मैं पूछूंगा। अच्छा ये जो दो बने हुए हैं ये क्या है? दो बने हुए वक्र। किसके आकार में ये वक्र? जिस बच्चे को आए वो हाथ खड़ा करके, जिसको आंसर होता ना हाथ खड़ा करके। अच्छा ये जो दो ये बनी हुई नलिया, इन्हें कौन सी नलिया कहते हैं? कौन क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। और ये क्या है? मूत्राशय। ये मूत्राशय और ये मूत्रमार्ग। अब देखो अभी तो तुमने चार्ट में देखा है मॉडल में, और किस तरह से हमारे शरीर में हम पानी पीते हैं और किस तरह से वक्र उसको, ये वक्र उनको छानता है और जो खराब जो पानी होता है यूरिया युक्त जो पानी होता है मूत्र कहते हैं, ठीक है, वो मूत्र मार्ग, मूत्राशय होते हुए मूत्र मार्ग से बाहर से निकलता है। तो देखो ये मेरे हाथ में क्या है? पानी। पानी। और ये हमारा जैसे मुंह से हम पीते हैं, हमने इसमें पानी डाला है। और देखो नीचे ये पानी वक्र से छनता हुआ मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्र मार्ग से सीधा कैसे आ रहा है? नीचे ये मूत्रमार्ग में पानी आ रहा है बाहर। यस सर। और अब इसमें थोड़ा पानी रह गया, ठीक है, हम तो ये छन के धीरे धीरे बाहर आया। अब हमने थोड़ा पानी और डाला, देखो धीरे धीरे छनके, देखो पानी उसमें आ रहा है, धीरे धीरे छनके पानी आ रहा है। और ठीक है, तो उस उत्सर्जन अंग का जो काम होता है, जो पानी हम पीते हैं, जो हमारा अपशिष्ट पानी द्रव जो मूत्र कहलाता है यूरिया युक्त पानी, वो उस उत्सर्जन के द्वारा निकल जाता है। कोई बच्चा करके देखना चाहेगा प्रैक्टिकल? कोई करेगा? आओ मुस्लिम आओ, ठीक है, ये पानी है। आओ देखो सर, 12 बजे उठकर खा लेते हैं।
अरे वहां चले जाओ बिगर उसके पटवा से बिगड़ जैसे जाएगा। आराम से डालो उसमें। बस थोड़ा बस अभी बस देखो वो पानी छन के नीचे आ रहा है नहीं। चलो अब इधर से कोई लड़की आओ तुम्हारे पास से आओ। हाँ आ जाओ इधर आओ आप आओ। देखो कोई नहीं बेटा पहुंच जाएगा इतनी जल्दी में। बस देखो ये पानी आना स्टार्ट रहा अभी छन्ना है पानी आ जा। देखो धीरे पानी आना स्टार्ट हुआ। आया ठीक है। इधर से एक और लड़का चलो ये आराम। तो ये जो हम पानी पीते कैसे देखो मुंह तो मार के बाहर बाहर निकल रहा। देखो ये थोड़ा ये देख देखो हनुमान ने डाला पानी और ये पानी पिया और धीरे धीरे नीचे से निकलने लगा ये थोड़ा। अभी छन्ना है और छन्ने के बाद निकलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो बूंद गिर रही है आने लगी है ठीक है। ये आने लग गया और ये पानी आने लगा हमारे शरीर में। बस पानी चलना है और ये आएगा धीरे। हमारा उत्सर्जन तंत्र किस तरह से काम करता है। हम पानी पीते हैं पानी आया पानी जो हमारी नलियां हैं ये जो नलियां इनके द्वारा कहाँ आया वक्र में आया। वक्र से ये जो हमारी दो मूत्र वाहिनियां इनके द्वारा कहाँ आया मूत्राशय में और मूत्राशय से फिर कहाँ आया मूत्रनाल के द्वारा आ रहा था। तो ये उत्सर्जन का मतलब होता है किसी पदार्थ का शरीर के अंग से बाहर निकलना। और ये जो चार हमारे हैं वक्र मूत्र वाहिनियां उत्सर्जन अंग और उत्सर्जन ठीक है मूत्र मूत्राशय और मूत्र मार्ग तो ये सब क्या कहलाते हैं उत्सर्जन और उत्सर्जन अंग। तो समझ में आया तुम्हारे। और तुमने देखा किस तरह से हमारे शरीर में से पानी छनकर बाहर आता है नहीं आता है। हम जितना पानी पीते हैं उतना छनकर आता नहीं। तो समझ में आया तुम्हारे किस तरह से उत्सर्जन तंत्र काम करता है ठीक है। कैसे लगी क्लास तुम्हें ये वाली।